दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस संबंधित फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए थे। यदि आप उसको नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे इस वीडियो को देखेंगे। हमने पहले वीडियो में सिंपल प्रकार के क्वेश्चन को डील करना और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डील करना सीखे थे। आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर जाते हैं। यदि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब इसका फार्मूला होगा एक्स माइनस वाई अपान वाई गुणा 100। ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? परसेंट लिखेंगे। यदि इसका उत्तर धनात्मक प्राप्त हुआ तो लाभ प्राप्त होगा, यदि उसका उत्तर ऋणात्मक प्राप्त हुआ तो हमेशा क्या होगा? हानि होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? एक वस्तु दिया है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर दिया है। तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, 15 माइनस 12 बटे 12 गुणित 100। 15 में 12 गया तो कितना आएगा? 3 बटे 12 गुणित 100। 3 एकम 3 चौक 12, तो 100 बटे कितना आएगा? 4। तो 100 बटे 4 आया तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 25%। धनात्मक में प्राप्त हुआ है, अतः हमें 25% लाभ प्राप्त हुआ। याद रखेंगे, प्रश्न बोला है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सूत्र में रख दिए, 15 माइनस 12 बटे 12 गुणित 100, हल करेंगे तो कितना आएगा? 25%। चूंकि धनात्मक प्राप्त हुआ है अतः हमें लाभ प्राप्त हुआ। उसी तरह दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो देखते हैं, 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, यहां पर विक्रय मूल्य किससे दर्शाए हम? y से दर्शाए हैं। तो यहां पर y बराबर 4 दिया है, जो कि क्या है? विक्रय मूल्य है। 4 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर क्रय मूल्य x से दर्शाते हैं, x बराबर कितना दिया है? 3। ये आपका 3 क्या है? क्रय मूल्य दिया हुआ है। तब इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, x माइनस वाई वाला। तो यहाँ पर 3 माइनस 4 अपान कितना आएगा? 4 गुणा 100। 3 में 4 घटा तो कितना आएगा? 3 में 4 घटेगा तो कितना आएगा? 1 बटा कितना? 4 गुणित 100। यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, ऋणात्मक नहीं लेना है। 3 में 4 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस 1 आएगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं लेना है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 100 में 4 का भाग होगा, 100 में 4 का भाग होगा तो कितना आएगा? 25% प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 3 में 4 घटा तो माइनस 1 आया है, तो ये आपका माइनस 25 है। तो यहाँ पर माइनस 25 है, तो मैं पहले बता दिया हूँ, यदि आपका उत्तर ऋणात्मक प्राप्त होता है तो हमेशा हानि प्राप्त होगा, यदि आपका उत्तर धनात्मक प्राप्त होता है तो हमेशा क्या होगा? लाभ प्राप्त होगा। इस तरह हमारा उत्तर क्या होगा? हानि मिलेगा, 25% हमें हानि प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर दे दिया है क्रय मूल्य x बराबर कितना दिया है? 20 वस्तु। अब विक्रय मूल्य y बराबर दिया है 15 वस्तु। तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें क्या करना है? बताना है। तो सूत्र हम रखेंगे, 20 माइनस 15 अपान 15 गुणित कितना? 100। 20 में 15 गया तो 5 बटे 15 गुणित कितना? 100 कटेगा, 5 एकम 5 दिया 15, तो 100 बटे 3 इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 33.33% हमें प्राप्त होगा। चूंकि धनात्मक प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है आपका? 20 रुपया है, 20 है, और विक्रय मूल्य कितना है? 15 है। तो यहाँ पर हमें हानि प्राप्त हो रहा है ना? तो यहाँ पर हानि प्राप्त होगा, इसको ऐसा लिख सकते थे, 15 माइनस 20, तो यहाँ पर माइनस प्राप्त होगा, सीधा सीधा माइनस 33.33 प्राप्त होगा, तो हानि प्राप्त होगा। तो या माइनस प्लस ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं, क्रय मूल्य क्या है? ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमेशा ऋणात्मक प्राप्त होगा आंसर।
तो अतः ये ऋणात्मक आंसर प्राप्त हुआ तो हमें हानि प्राप्त हुआ 33.33% की। क्या प्राप्त हुआ? हानि प्राप्त हुआ। प्रश्न दिया है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर बोल दिया है 250 केले बेचने पर, यहाँ पर 250 केला बेच रहा है, एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, अर्थात दिया है लाभ बराबर कितना होगा 50, और विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 250। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा? लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 250 माइनस लाभ कितना होगा? 50। तो कितना आएगा? 200। तो क्रय मूल्य हमें प्राप्त हुआ 200। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित कितना? 100। तो लाभ हमें मिला है कितना? 50 बटे क्रय मूल्य कितना है? 200 गुणित कितना? 100। 2020 कटेगा तो 50 बटे 2 अर्थात 25। इस तरह हमें 25% लाभ प्राप्त हुआ। चलिए अगले टाइप के ओर चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है, वो क्रय मूल्य के बराबर किसी वस्तु को बेचने का दावा कर रहा है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। और यहाँ पर ग्राहक को पता नहीं है 1 किलो की जगह वो क्या करता है, 960 ग्राम का बाट का उपयोग कर रहा है। तो वहाँ पर सीधा सीधा हमको दिख रहा है 40 ग्राम लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बताइए उसे लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर बाट कितना है? एक्चुअली में सामने वालों को बता रहा है कि 1000 किलोग्राम का बाट है, लेकिन वो 1000 ग्राम के जगह 960 ग्राम का क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य होगा 1000 के जगह कितना उपयोग कर रहा है? 960। तो 960 क्या होगा उसका क्रय मूल्य होगा। लाभ क्या प्राप्त होगा? लाभ कितना? 1000 ग्राम में किसका उपयोग कर रहे हैं? 960 ग्राम का। घटेगा कितना आएगा? 40 ग्राम का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हमें लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित कितना? 100। तो लाभ कितना हुआ? 40। क्रय मूल्य कितना है? 960 गुणित कितना? 100। 10 कटेगा तो यहाँ पर 4 × 100 में करेंगे तो कितना आएगा? 400/96। इसको हम सीधा सीधा कटा सकते हैं, कटा रहे हैं इसको, 4 × 1 = 4 और 2 × 0 = 0, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 एक बचा, 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। फिर कटेगा 50/ कितना हो जाएगा? 12। तो 50/12% हमें लाभ प्राप्त हुआ। इसको हल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, आगे हल करेंगे तो कितना आएगा? और कटा देते हैं इसको, 2 × 6 = 12, 2 × 25 = 100। तो 25/ कितना होगा? 6। तो ये आपका 4 × 1/6, 6 × 24 और 1 = 25। तो 4 × 1/6% हमें लाभ प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार सामान तोलते समय प्रति केजी 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर कितना बेईमानी कर रहा है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम बेईमानी कर रहा है मतलब जैसे 1 किलो हमारे पास बाट है तो 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम है, जिसमें 100 ग्राम क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। 100 ग्राम बेईमानी कर रहा है, ये उसका क्या हो जाएगा? लाभ होगा 100 ग्राम। और क्रय मूल्य बोलेगा तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 900। यहाँ पर 1000 में 100 घटेगा कितना आ जाएगा? 900। तो यहाँ पर वास्तविकता में उस सामान को कोई किलो दुकानदार क्या कर रहा है? 900 ग्राम में खरीदा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य उसको निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1000 ग्राम में 100 ग्राम घटेगा तो कितना आएगा? 900 ग्राम। और इसका ये आपका 100 ग्राम की पैमानी कर रहा है मतलब उसका क्या होगा? लाभ होगा ये। तो
लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बटे क्रय मूल्य गुणित 100। लाभ कितना है, 100 ग्राम का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 900 गुणित कितना 100, 20 20 कटेगा तो 100 बटा कितना होगा 9। इसको कटाना चाहेंगे तो 100 में 9 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 1 बचा 10 हो गया, 9 एकम 9 तो 11.11 कुछ, इस तरह इसका उत्तर प्राप्त होगा। अतः हमें लाभ प्रतिशत कितना मिला, 11.11% लाभ प्राप्त होगा।